वीडियो में वो मैच कवर करने वाले जो कि सबसे बड़ा सीरीज और सबसे ज़्यादा इंतजार करने वाला सीरीज जो कि हम सबका फेवरेट सीरीज आईपीएल स्टार्ट हो रहा है कल से। और ड्रीम इलेवन ने काफ़ी ज़बरदस्त मतलब मौका दिया है भाई, अब दो फर्स्ट रैंक लाना तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था सबसे, लेकिन अब आप टॉप इलेवन में भी आ जाओगे ना तो भी आप करोड़पति बन जाओगे। वीडियो को ध्यान से देखना अगर करोड़पति बनना है तो, एक एक डिटेल से आपको हर एक चीज़ बताऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, किसी की तरफ बोरिंग नहीं करूँ मैं, किसी तरफ बोर नहीं करूँगा वीडियो में, स्टैट्स वगैरह दिखा के बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहला काम कीजिए अभी से वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों का शेयर कर दो इस वीडियो को। सबसे पहला काम कीजिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छा मौका है प्रॉफिट छापने का, तो सबसे पहले आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप पूरे फैंटेसी फील्ड में कंपेयर कर लेना हमारा चैनल सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा ही यूनिक चैनल है, क्योंकि हर एक मैच हम लोग कवर करते और साथ ही साथ फ्री में ही कवर करते। ऐसा नहीं कि 2-3-4 साल से बस इस फील्ड में और 2-3-4 साल से फ्री टीम दे रहे, जब से चैनल बना है तब से फ्री ही टीम दे रहे। तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना, आप सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना या फिर कमेंट बॉक्स पे जाना, लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना, लिंक 100% काम करता है। आप सीधे सीधे मैं प्रीफर करूँगा कमेंट सेक्शन जाइएगा, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। आपको सर्च करना हो तो सर्च भी कर सकते हो, सर्च करना एफ्लिन टीम सर्च करो बिना स्पेस देके तो चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर भी टाइम 39,100 से ज़्यादा लोग हैं, जहाँ पे हम लोग भी एक्साइटेड हैं एंड आप लोग भी एक्साइटेड तो ही, तो जरूर से ज्वाइन कर लेना डेली फ्री विनिंग टीम के लिए। बस फेक मत ज्वाइन करें, ध्यान रखिएगा 39,100 से ज़्यादा लोग होने ही चाहिए चैनल पर, तभी ज्वाइन कीजिएगा। एंड अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर अप करें, कोई फालतू का टाइम पास वगैरह बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ये मैच चिन्नी स्वामी में खेला जाएगा ना, नोट्स वगैरह निकाल लेते हैं। मैं ज़्यादा वीडियो मतलब लंबी और मतलब बोरिंग बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि स्टार्ट्स में नहीं मैं पूरी लॉजिकली टीम क्रिएट करता हूँ। ये जो मैच है चिन्नी स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा, हर को जानते और देखोगे चिन्नी स्वामी का जो विकेट है हर को जानते कि कैसा विकेट है, हाईली बैटिंग फ्रेंडली विकेट है ये, तो मतलब कि अपने विराट कोहली का फेवरेट विकेट है और साथ ही नीति मंदाना का फेवरेट विकेट है। यहाँ तक कि वानखेड़े को उन्होंने बोल दिया था अच्छा नहीं है, लेकिन चिन्नी स्वामी स्टेडियम सबसे फेवरेट विकेट है स्मृति मंदाना का, और विराट कोहली का तो फेवरेट विकेट है हर कोई जानता है ये चीज़, तो ये कोई नई बात नहीं है। सबसे पहले टीम न्यूज़ देख लेते, विकेट पर मैं तो सबको जानते हैं पिच बैटिंग फ्रेंडली है, वो भी दोनों इनिंग में चेसिंग भी या फिर 220 बन जाता है तो चेस हो जाता है, तीसरी का ध्यान रखिएगा। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई के जो न्यू कैप्टन है ऋतुराज गायकवाड़ जो कि कैप्टनसी करते आपको नजर आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मोइन अली वगैरह सब अवेलेबल है बॉलिंग अटैक में, तो सबको जानते हैं बॉलिंग अटैक पे। उसके अलावा आरसीबी की हम बात करें तो आरसीबी की टीम दस जो कैप्टन है फाफ डू प्लेसिस जो कि पावर हीटर है हर को जानते हैं, कैप्टन से खड़ेंगे टीम दस विराट कोहली ग्लेन मैक्सवेल, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आरसीबी के लिए, ये सब काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में भी चल रहे। और साथ ही साथ पावर हीटर की बात करें कैमरन ग्रीन का नाम ना ऐसा होगा, तो पावर हीटर और ट्रू ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन जो कि हर को जानते जिससे वो भी बहुत ज़्यादा है, और इनके जो एक्सपीरियंस प्लेयर है दिनेश कार्तिक रहेंगे। उसके लिए दोनों टीम काफ़ी ज़बरदस्त है, ऐसा नहीं कि एक मतलब एक कमज़ोर टीम है और एक स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन अगर देखोगे दोनों टीम्स ने अभी तक 31 टाइम्स आपस से भिड़े, ठीक है कितनी बार 31 टाइम्स 31 बार आपस से भिड़े, जिसमें से कितनी बार 21 बार तो सिर्फ और सिर्फ किसने विन किए चेन्नई सुपर किंग्स ने, और आरसीबी ने सिर्फ 10 बार, मतलब कि 31 बार आपस से भिड़े दोनों टीम्स, जिसमें से 31 बार में क्या हुआ है एक सेकेंड को 31 बार मतलब कि दोनों मतलब हेड टू हेड में भिड़े आपस में, जिसमें से आरसीबी विन किए मात्र 10 मैचेस विन किए सिर्फ 10 मैचेस, जबकि सीएसके टीम ने इसका डबल से भी ज़्यादा 21 मैच विन किए। तो आप उससे सोच सकते हो सीएसके कितना फेवरेट रहेगा, हालांकि आरसीबी बहुत अच्छी टीम है नो डाउट भाई, हम लोग आरसीबी को सपोर्ट तो कर रहे हैं पर चेन्नई की इमोशन है, ठीक है चेन्नई की इमोशन है। बस चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें सबसे पहले लाइनअप पे तो ऋतुराज गायकवाड़ जो कि कैप्टनसी करेंगे ओपन करेंगे, रचिन रविंद्र के साथ ओपन करेंगे, अजिंक्य रहाणे वरना बैटिंग करेंगे, शिवम दुबे फोरना बैटिंग करेंगे, मोइन अली फिरना बैटिंग करेंगे, रविंद्र जडेजा जो कि सिकना बैटिंग करेंगे, एमएस धोनी सेवना बैटिंग करेंगे, सरदुल ठाकुर एटना बैटिंग करेंगे, दीपक चहर भी अवेलेबल है, महेश दीक्षाना अवेलेबल, मतीसा पथिराना अवेलेबल है। तो सीएसके का जो लाइनअप है काफ़ी परफेक्ट है, क्योंकि रचिन रविंद्र अगर इसके अलावा ना डेविन कोर भी रहता तो भी अच्छा रहता, लेकिन डेविन कौन भी रहता तो वो भी ज़बरदस्त रहता, लेकिन यार रचिन रविंद्र है लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे एक प्लेयर क्रिकेट खिलाया जाता ना अच्छा रहता, क्योंकि मैंने लास्ट स्टेट देख रखा हूँ डेविन कौन भी ने बहुत ज़बरदस्त स्कोर किया था भाई, डेविन कौन भी फॉर्म में था बट रचिन रविंद्र तगड़ा प्लेयर हर को जानते हैं ट्रू ऑलराउंडर है। तो अगर आप बॉलिंग्स की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये मोइन अली रचिन रविंद्र वगैरह है, शिवम दुबे भी है पर देखा जाएगा कौन कितना बॉलिंग है। उसके आरसीबी की बात करें तो फाफ डू प्लेसिस कैप्टनसी करेंगे टीम दस से,
ओपन करके पावर हिटर टीम का से हिटिंग जब उसका पहले भी तीन फॉर्म प्लेयर है, सेम अपने रोहित शर्मा जैसे ही है। उसके लिए विराट कोहली जो है टीम से ओपन करेंगे, टीम से रजत पाटीदार वरना बैटिंग करेंगे, टीम से फोन ना पे ग्लैन मैक्सवेल जो कि अपना मैक्सी फोन ना बैटिंग करेंगे, माइकल लुमोन फिर ना पे कैमरून गिन सिग्ना पे दिनेश कार्तिक है, अनुज रावत है, करण शर्मा, अलजारी जोसफ है, मोहम्मद सिराज है। अब पता नहीं कैमरून गिन को कितने ओवर बॉलिंग करके देखा जाएगा, लेकिन देखोगे 1 2 3 4 अनुज रावत कहाँ से बॉलिंग कर रहा है मेरे दिमाग खराब है, 1 2 3 4 मतलब मैक्सी बॉलिंग करेगा, मतलब पूरे ओवर यार मैक्सी बॉलिंग करेगा, ध्यान रखिएगा। तो आरसीबी भी काफ़ी फेवरेट लाइनअप से कोई कमजोर नहीं है, धोनी काफ़ी ज़बरदस्त है, 6-5 का कॉम्बिनेशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा आज, ठीक है 6-5 का कॉम्बिनेशन। हालांकि सीएसके की एक इमोशन है, मैं पहले बोल रहा हूँ आरसीबी को हम लोग सपोर्ट तो करते हैं बट सीएसके की इमोशन है। रविंद्र जडेजा आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, ऋतुराज गायकवाड, ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे आपके लिए। उसके अलावा ग्रैनी टीम में स्मॉली टीम बता दिया, इस ग्रैनी टीम में तुषार देशपांडे कोई नहीं पिक करा, एम एस धोनी को कोई नहीं पिक करा, यश दयाल को, माही पलो, एम एस धोनी का देखा जाएगा कि क्या करेंगे इस साल, क्योंकि सुबह सुबह के नया रोल मिला है कुछ। दैथा बॉलिंग करेंगे शार्दुल ठाकुर, नहीं तो तुषार देशपांडे करेंगे सीएसके की टीम से, इधर से मोहम्मद सिराज, नहीं तो अलजारी जोसफ। एंड बात करते प्लेयर वाइज सेंसेस से, ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस नहीं करते अपने, मतलब कि आते कि टॉप 11 में कैसे टीम क्रिएट करें। आप लोग मुझे कमेंट बताओ कि लाइव आए टॉप 11 में आने के लिए, मैं सोचा कि लाइव आके सामने से टीम क्रिएट करते, भैया देखो फर्स्ट रैंक तो आ नहीं रहा था, हालांकि हम तो परसों बोल रहा हूँ मिनिरल तो मैंने बहुत बार विन कर रखा, बहुत बार, अगर आप मेरे 4-5 साल पुरानी यूजर्स तो आपको पता होगा, ठीक ना, 3 साल पहली बार रहो तो आपको पता होगा, लेकिन अभी मैं कुछ सालों से नहीं खेला हूँ ग्रैंड लीग वगैरह, बट हाँ अब ग्रैंड लीग खेलेगा और टारगेट करेंगे ग्रैंड लीग को। गाइस बात करें विकेट कीपर्स, उससे पहले दोस्तों वीडियो को जरूर से लाइक करें, मोटिवेशन मिलता है प्लीज़ वीडियो जरूर लाइक करें, क्योंकि यार देखो ऐसे मैचेस सब तो कवर करते हैं लेकिन सब आपको स्टार्ट से के बोर कर देते हैं और आपको डीमोटिवेट कर देते, बट ये वीडियो देखने से आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो एक लाइक यूज़ करना है, चाहे सब्सक्राइब यूज़ करके बेल का ऑन पर सेट कर दे, ऑल पर सेट कर देना, ठीक है, तो बेल आइकन ऑन ऑल पर सेट यूज़ कर लीजिएगा। बात करें विकेट कीपर्स, मैं बहुत लॉजिकली टीम क्रिएट करना चाहूँगा, कोई फालतू का टाइम पास वगैरह नहीं, लेकिन एक छोटा सा काम करो, अभी हम अपना खुद का फैंटेसी ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, आप कुछ नहीं बोलेंगे पहली बार वीडियो, खुद का फैंटेसी ऐप, हाँ जी हमारा खुद का फैंटेसी ऐप लॉन्च होने जा रहा है जो कि कुछ ही दिन में लॉन्च हो जाएगा। कुछ नहीं बोलेंगे कि IPL का टाइम बोले थे लेकिन लॉन्च नहीं हुआ, मैं आपको बता दूँ प्री रजिस्टर करने के लिए आपको बोला था 2000 लोगों, मैंने सोचा कि 2000 लोग जल्दी हो जाएंगे बट नहीं हो पाए, लेकिन 500 लोग हो चुके कुछ ही दिन में, अभी भी 1500 स्लॉट्स खाली है। अब ऐसे क्या बोल रहा हूँ स्लॉट्स खाली 1500 में क्या बोल रहा, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे, मैं बता देता हूँ फैनवर्स जिस पर मैं बोल रखा हूँ खुद का फैंटेसी ऐप, उस पर 2000 लोगों को मैं अपने साइड से 2000 लोगों को मैं अपनी साइड से रियल कैश दूंगा, जिस जो जिसे आप 100% यूज़ कर सकते, ग्रैली में हेड टू हेड में कहीं भी यूज़ कर सकते, मतलब मैं बोल रखा हूँ कि जो हमारा खुद का फैंटेसी ऐप है जो लॉन्च होगा, तो पहले जो 2000 लोग मतलब रजिस्टर्ड करेंगे, पहले जो 2000 लोग रजिस्टर्ड करेंगे उन सबके वॉलेट में रियल कैश जाएगा बोनस की जगह, अब वो 2000 के बाद लोग जो लोग रजिस्टर्ड करेंगे उनके वॉलेट में बोनस जाएगा, तो समझ गए। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, फैनवर्स अभी लॉन्च नहीं हुआ है, कुछ ही दिन में लॉन्च हो जाएगा, तो सीधा सीधा अभी रजिस्टर कंप्लीट कर लो, क्योंकि 2000 लोगों में आपका नाम आना चाहिए, अभी 1500 स्लॉट्स खाली है तो आपका नाम इजीली आ जाएगा। तो क्या करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, इस तरह लिंक रहेगा फैनवर्स करके रहेगा, पी रजिस्टर करके इस लिंक पे क्लिक करो, हार्डली 20 सेकंड लगेगा रजिस्टर वगैरह कंप्लीट करने में, कुछ नहीं है फैनवर्स, वेट नहीं वेरीड कर, हमारा खुद का फैंटेसी ऐप है, टैगलाइन है वेट नहीं वेरीड कर, मतलब जबरदस्त है टैगलाइन। पी रजिस्टर पे क्लिक करना, अपना मनपसंद यूजर नेम ले लो, जो भी आपको यूजर नेम चाहिए अपना मनपसंद यूजर नेम अभी ले लो, मेल आई डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना, रजिस्टर पे क्लिक करना, सक्सेसफुली रजिस्टर करोगे, तो ये 3 चीज़ें फिलअप करके जल्दी से जल्दी कर लेना, क्योंकि खुद की फैंटेसी ऐप है, खुद की 50 ऐसे नए फीचर सेट किए ना, आप सोच पड़ेंगे क्या जबरदस्त फीचर ऐड किए बंदे ने, आप ऐसा बोलोगे। और इससे ये नहीं बोल रहा हूँ कि गेम खेल के पैसे कमाऊंगी, इससे पैसा नहीं, 100% सिर्फ फैंटेसी स्पोर्ट्स रहेगा, सिर्फ 100% फैंटेसी स्पोर्ट्स, 1% भी कहीं पे भी लूडो वगैरह कुछ नहीं रहेगा, वो सब बकवास होता है, 100% फैंटेसी रहेगा, फैनवर्स खुद का ऐप है। अब लीगल मतलब लीगल डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा टाइम लग गया है, लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है, अगर बात करते प्लेयर वाइज सेंसेस से, अभी मैं आपको जो एनालिसिस करके दूंगा आप उसे ग्रैंड लीग में भी ट्राई करना, मैं स्मॉली टीम तो क्रिएट करूंगा ही, लेकिन आप उस एनालिसिस को ग्रैंड लीग टीम में ट्राई करना, अगर नोट कर सकते हो तो नोट डाउन कर लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो दिनेश कार्तिक, अनुज राउत, ये सब अच्छे है, बट एम एस धोनी के लिए बेनिफिट्स ये है कि पहली बात तो विकेट कीपिंग से सबसे पॉइंट्स ऑब्वियस बात है एम एस धोनी देंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट एम एस धोनी के साथ जाते, अगर डेविन कोन में अवेलेबल तो है नहीं, दिनेश कार्तिक थे बट ये क्या विकेट कीपिंग सबसे अच्छा एम एस धोनी भाई करते, तो मैं एम एस धोनी के साथ जाना प्रेफर करूँगा, सुना है कि नया रोल मिलेगा, पता नहीं क्या कौन सा रोल है देखते हैं। उसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़, थोड़ा सी कैप्टनसी करे तो थोड़ा प्रेशर हो सकता है, लेकिन देखा जाएगा कि कैप्टनसी करते कैसा प्रेशर रहेगा। विराट कोहली अच्छे रहेंगे, डैरिन मिचेल अवेलेबल नहीं है, हालांकि रहते तो और स्ट्रॉन्ग रहता अपना सी एस के भाई। उसके अलावा फाफ डुप्लेसिस अवेलेबल है, शिवम दुबे अगर रहते तो जबरदस्त ऑप्शन रहते हैं इनके जब पे।
उसके अलावा अजिंक्य रहाणे अवेलेबल है, रजत पाटीदार भी अवेलेबल है। आप ग्रैनी टीम में क्या करना है, इस मोहली वालों के लिए ग्रैनी टीम में आप अजिंक्य रहाणे को जू से पिक करना, एक दो टीम में, एक टीम में एटलीस्ट जो 11 करोड़पति जिसे बनेंगे टॉप 11 में उसमें कैप्टन जू से करना। तो इसको नोट कर लो, नोट कर लो कि चेन्नई स्वामी का विकेट है, ये स्कोर कर सकता है अजिंक्य रहाणे। तो जो ग्रैनी लवर से प्लीज़ पिक करके चला अजिंक्य रहाणे को, रजत पाटीदार को भी पिक कर लेना ग्रैनी टीम में, बट अजिंक्य रहाणे टॉप रहेंगे। तो नोट करें तो नोट कर लेना, अजिंक्य रहाणे के बारे में याद रखिएगा ग्रैनी टीम में, मैं ग्रैनी टीम दे दूंगा टेंशन। रविंद्र जडेजा इंपॉर्टेंट है, मैक्सी इंपॉर्टेंट है, कैमरन गेन बॉलिंग करेंगे टीम से तो मैं कवर करना परफेक्ट करूंगा, पावर हिटर है, वैसे भी हमने ड्रॉप कर दिया है दिनेश कार्तिक को तो पिक कर लेते। रचिन रविंद्र इंपॉर्टेंट है, सैंडर वगैरह शायद अवेलेबल नहीं हो, सैंडर देख लेते लेने देखने में क्या जाता है, नहीं अवेलेबल नहीं है, पथिर वगैरह ये सब अवेलेबल है। मोइन अली अगर वरना बैटिंग तभी नहीं करेंगे तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि कभी वरना बैटिंग करने आप, हालांकि अजिंक्य रहाणे आ गया तो वो सब अच्छी है, तो मैं प्रेफर उतना नहीं कर रहा भाई। विल जैक्स वगैरह टॉम करेंगे सब खेलते तो जबरदस्त रहता आर सी बी और, बट अवेलेबल है तो लेकिन खेलेंगे नहीं, प्रोबेबल नाम ही है। मोहम्मद सिराज दैथ बॉलिंग करें, मथिसा पथिराना अनिवेल लिखा रहे तो अनिवेल मान के क्रिएट करेंगे टीम, पथिराना नहीं है तो कौन इनके जब आएगा भाई। हाँ सरदुल ठाकुर मैं भी दैथ बॉलिंग कर सकता है, अच्छा ऑप्शन रहेगा। दीपक चहर जबरदस्त है, लोकी फर्गुसन एक जबरदस्त है, मथिसा उसके लिए देखो महेश दीक्षा ना जबरदस्त ऑप्शन है कवर करके चलते, अलजारी जोसफ भी अच्छा है ठीक है कवर करके चल सकते हो, रहमान जबरदस्त है लेकिन अवेलेबल में भी ना हो, तो साथ देश पांडे अच्छा है। तो देख लो अपना इलेवन क्लब किसके साथ जाना चाहोगे, कि आपको कोई बैटर चाहिए या फिर कोई आपको ऑलराउंडर चाहिए फिर कोई बॉलर, बॉलर तो दोनों मैंने बाय डिफॉल्ट काफ़ी अच्छे पिक है, लेकिन थर्ड दीपक चहर स्टार्टिंग बॉलिंग करेगा फर्स्ट पावर प्ले में, और सरदुल ठाकुर में भी डेथ बॉलिंग कर सकता है, ठाकुर नहीं तो तुषार देश पांडे डेथ बॉलिंग करेगा, सरदुल ठाकुर नहीं तो तुषार देश पांडे डेथ बॉलिंग करेगा। तो मेरे हिसाब से पिक कर लेना चाहिए सरदुल ठाकुर के साथ जाना चाहिए, मैं ठाकुर के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि हिटिंग में अच्छा करता है और बॉलिंग भी भले पिटाई होता है, मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा पिटाई होता है सरदुल ठाकुर के लिए कि एंड में विकेट लेके दे ही देते हैं। दीपक चहर बॉलिंग अच्छी कर लेते लेकिन फिर भी विकेट ले चल जाते हैं पता नहीं क्यों, इसलिए फिर फेक करूँगा अभी के लिए उतने उनके साथ नहीं जाते, अभी के लिए आप इस टीम से कॉन्टेस्ट बुक कर दो, इस टीम का कॉन्टेस्ट बुक कर दो बस इसी टीम के साथ, स्मॉल ही टीम है जैसे आप हेडकोर्ट्स लेकर हंड मेंबर्स तक यूज़ कर सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे कि हमको 11 मतलब टॉप 11 मिल जाओ कैसे भी, तो मैं देखूंगा लाइव वगैरह आने के उस समय, बट ग्रैनी टीम में ट्राई करना, मैं आपको जो बोल रखा हूँ जिसको ग्रैनी ट्राई करना उसको यूज़ से ट्राई करना, जैसे कि इधर से भी बोल रहा हूँ तो साथ इस पांडे मात्र 4 सिलेक्शन है जो उसे कैप्टन अपने टीम पिक करके चलेगा, और अलजारी जोसफ को ठीक है तो इन सबको ट्राई कीजिएगा, अलजारी जोसफ को ये इनको ट्रम्प कार्ड हो सकता है, और तो साथ इस पांडे को कैप्टनशिप में बात करें तो देखो विकेट के हिसाब से तो विराट कोहली का फेवरेट विकेट है, प्लस फॉर्म में तो अच्छा है, लेकिन मैक्सवेल को फायदा है कि पूरे ओवर बॉलिंग भी करेंगे प्लस फोर्थ फिर ना बैटिंग भी कर लेंगे, देखो अच्छा ऑप्शन है फोर्थ ना बैटिंग भी कर लेंगे प्लस टीम तरफ से सबसे बड़ी बात कि फॉर्म में अभी एज ए कैप्टन जा रहा हूँ। वाइस कैप्टन रचिन रविंद्र के साथ जा सकते हो, नहीं तो विराट कोहली के साथ जा सकते हो, मैं रचिन रविंद्र से उतना होप तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन हो सकता है कि बॉलिंग करे बंदा, चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि बॉलिंग करेगा प्लस ओपनिंग भी करेगा, बट क्या है कि विराट कोहली का फेवरेट विकेट है तो फालतू का रिस्क वगैरह ये सब सोचना नहीं चाहूँगा, एज अपना वाइस कैप्टन विराट कोहली के साथ जाते हैं, हालांकि अच्छे प्लेयर हैं नो डाउट। अभी आप इस टीम के जाकर कॉन्टेस्ट बुक कर दो, सेम टीम के साथ इन्वेस्टमेंट करने जा सकते हो, सेम टीम के साथ ये स्मॉल टीम है जैसे आप हेडकोर्ट्स लेकर 100 मेंबर्स यूज़ कर सकते हो, हालांकि कुछ लोग बोलेंगे स्मॉल टीम नहीं है वो ग्रैली विन करना है 11 में आना है, तो मुझे कमेंट में बता दो मैं आपके लिए लाइव आ जाऊँगा। आपको ग्रैली टीम में लाइव मतलब आपको ग्रैली टीम चाहिए ना, तो मैं सिंपल सा बात बता रहा हूँ, सिंपल सा बात आप खुद से भी बना सकते हो, एक टीम में गायकवाड़ को कैप्टन करना, टू प्लेसेस को करना, ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया मैं बता रहा हूँ ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दूँगा टेलिंग टाइम फाइन टीम, तो टेंशन मत लो। एक टीम में क्या करना, सरदुल ठाकुर मोहम्मद सिराज को करना ये हो गया, रचिन रविंद्र मैक्सवेल को करना ये हो गया, उसके अलावा रविंद्र जडेजा कैमरा गेन करना, तो ऐसे सीबीसी बनाओगे तो अच्छा रहेगा, कुछ प्लेयर्स हैं अजिंक्य रहाणे वगैरह इन सबको ग्रेनी टीम ट्राई करके चलेगा अच्छे रहेंगे, ये जो टीम क्रिएट हो चुकी सेम डे कॉन्टेस्ट बुक कर सकते हो भाई, बहुत ज़बरदस्त सीरीज है, विन करेंगे नॉट वरी, अपना फर्स्ट मैच विनिंग के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट मैच विन करेंगे तो पक्का पूरा सीरीज में आग लगा देंगे, देखूंगा टॉप 11 में जूस आने की कोशिश जूस करेंगे। आप लोग अपना सफर निभाना, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, ये सेम टीम कॉन्टेस्ट बुक कर दो, फर्स्ट रिस्क की टीम है बट हब टीम परफेक्ट है, रिस्क की कहाँ बहुत सेफर टीम है, एकदम सेफर टीम है। सरदुल ठाकुर ट्रम्प कार्ड है क्योंकि पिटाई तो होगी हमको भी पता है, दीपक चहर विकेट ले जाएगा बट पिटाई होगा, ये दोनों बहुत पिटेंगे लेकिन एंड में विकेट ही लेके दे ही देंगे, इसलिए पिक किया हूँ। सेम टीम कॉन्टेस्ट बुक कर दो, सेम टीम इन्वेस्टमेंट करने जा सकते हो।
और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और कमेंट बॉक्स से पिन कर दो, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और फैनवर्स हमारा खुद का फैंटेसी ऐप है जिसे बहुत ज़्यादा फीचर्स ऐड किए, तो जाकर उस पर रजिस्ट्रेशन जो उसे कंप्लीट कर लेना, क्योंकि पहले जो 2000 लोग रजिस्टर्ड कर रहे हैं उन सबको मिल रहा है रियल कैश, पहले 2000 लोगों को तो रियल कैश मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फाइन टीम के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है उस पर क्लिक कर ज्वाइन कर लेना, और कमेंट बॉक्स लिंक पिन है सबसे यूज कर लेना, बेल आइकन पर सेट कर देना।